Hello and welcome back to the channel. Dear students, this topic is cyclic codes. From the exam point of view, we may expect the question like this: explain the concept of cyclic code, or some terms related to cyclic code can be asked. I mean, the question may be like this: define and explain the properties of cyclic codes, or how to generate the generator polynomial in case of a cyclic code. So let us discuss the definition. Any code is said to be cyclic code if it satisfies the following two properties. First property is linearity property. The statement of linearity property is, if you have many code words, you have generated different code words, if you add any two code words, then the resultant must be a valid code word. मतलब अपने पास बहुत सारे code word है, दो code word का addition करने के बाद जो answer आएगा वो भी एक code word होना चाहिए, that should be a valid code word. So that is the meaning of linearity property. Next is cyclic property. इसका मतलब है अगर जो code word हमने generate किया है उसको अगर cyclically shift करेंगे तो shift करने के बाद भी एक valid code word आना चाहिए, that is the cyclic property. So what I said, any code is said to be cyclic code if these two properties are satisfied. Now next very important part, how to represent the cyclic code using polynomial. Example के लिए मैंने एक bit sequence consider किया है 1010. अब इसका polynomial कैसे लिखना है? हमेशा बी हैबिटेट ऑफ राइटिंग द पॉलिनोमियल इन द रिवर्स ऑर्डर. मतलब पहला बिट जीरो है, ये कांस्टेंट एज इट इज रखना है. नेक्स्ट बिट वन है, वन इंटू एक्स लिखना है. नेक्स्ट बिट जीरो है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखना है. नेक्स्ट बिट वन है, वन इंटू एक्स क्यूब लिखना है. सो दिस आंसर कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस ए जीरो इंटू एक्स स्क्वायर है इसलिए स्किप करेंगे प्लस एक्स. सो दिस पॉलिनोमियल विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स. सपोज ये बिट सीक्वेंस ऐसा है 1011, देन करस्पोंडिंग पॉलिनोमियल विल बी ये 1 एज इट इज लिखेंगे लास्ट 1 प्लस 1 इनटू एक्स, मतलब यहां एक्स आएगा प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0 इनटू एक्स स्क्वायर तो ये 0 इनटू है इसलिए स्किप करेंगे प्लस दिस टर्म इज एक्स क्यूब. सो दिस करस्पोंडिंग पॉलिनोमियल विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. दिस इज द वे हाउ टू राइट द पॉलिनोमियल. नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, मैंने यहां पे एक्स नोटेशन यूज किया है. इन मेनी केसेस नोटेशन डी इज यूज, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ऐसे भी लिख सकते डी क्यूब प्लस डी. बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. एक्स के बदले में नोटेशन डी भी हो सकता है. सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द साइक्लिक कोड इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. उल्टा कंसिडर करेंगे, मतलब सपोज ये पॉलिनोमियल दिए इससे कोड कैसे लिखना है. सो लास्ट टर्म ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रखना है, दिस इज वन, एक्स का कोएफिशिएंट ये वन है तो वन लिखेंगे, हमेशा उल्टे लिखना है. एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए जीरो, एक्स क्यूब का टर्म है इसलिए वन. मतलब जो टर्म है उसका वैल्यू वन लिखना है, जो टर्म अब्सेंट है नहीं है उसके लिए जीरो लिखना है. नेक्स्ट इज जनरेटर पॉलिनोमियल. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जनरेटर पॉलिनोमियल. हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल. जैसे मैंने बताया नोटेशन डी भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है, बोथ नोटेशन आर वैलिड. सेम थिंग आई हैव रिटन, आई मीन आई हैव जस्ट एक्सपांडेड दिस समेशन. समेशन देखो, समेशन इज आई, आई एक वेरिएबल है, आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस के माइनस वन. वॉट इज एन एंड के? वी नो दैट इफ सपोज साइज ऑफ अ कोड इज गिवन एज 7,4 देन एन इज 7 एंड के इज 4. So limits are, I mean summation is from I is equals to 1 to n minus k minus 1. So in this case mein n minus k aayega, 7 minus 4 means 3. So limits will be 3 minus 1, matlab I is equals to 1 to 2. Phir ye summation expand karna hai, last term is d raised to n minus k. I have simply expanded the summation. Jaise maine bataya ye numerical solve karenge to ye concept jyada clear hoga. One very important part, you should not miss this thing in the answer, that degree of generator polynomial should be equals to or always equals to number of the parity bits. हम लोगों को पता है एक code word में पहले message bits होते हैं, उसके बाद parity bits होते हैं. So degree of generator polynomial should be equals to number of the parity bits. Code word कैसे तैयार करना है? Code word is C of D. फिर से एक बार, it can be notation can be C of X
एंड दैट इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, वेल एट द सेम थिंग, तो दोनों नोटेशन अलाउड है. दिस इज द फॉर्मुला टू कैलकुलेट द कोड वर्ड एम ऑफ डी मैसेज पॉलिनोमियल, एम मीन्स मैसेज पॉलिनोमियल, जी मीन्स जनरेटर पॉलिनोमियल. तो इस मेथड से जो कोड वर्ड हम लोग तैयार करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड. नाउ लेट अस डिस्कस द सिस्टमेटिक कोड वर्ड. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक कोड्स और सिस्टमेटिक कोड वर्ड्स. जो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो प्रोसीजर लर्न किया दैट वाज फॉर नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड. देखो मेजर डिफरेंस ये है, इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड देयर इज नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन मैसेज बिट्स एंड पैरिटी बिट्स, वेयर एज सिस्टमेटिक कोड्स गिव्स क्लियर सेपरेशन बिटवीन मैसेज एंड पैरिटी बिट्स. These are the steps to obtain systematic code word. First step is write message polynomial m of x. मतलब some bits will be given, some codes will be given, and first step will be to write the message polynomial. Second, obtain m of x into x raised to n minus k. मतलब जो message polynomial है उसको x raised to n minus k से multiply करना है. For example, if given size of code is 7,4, then n is 7k is 4, so n minus k will be 3. Means m of x जो message polynomial उसको x cube से multiply करना है. X raised to n minus k means x cube. Third step, obtain remainder r of x by performing this division. मतलब क्या है? सेकेंड स्टेप का जो आंसर है उसको जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. प्रेजेंटली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी पार्ट. सो यू नीड टू परफॉर्म दिस डिवीजन. सो व्हाटएवर रिमाइंडर इज दैट दैट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स. कोड वर्ड इज सी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू एन माइनस के एम ऑफ एक्स. मीन्स दिस स्टेप आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. दिस सिंबल इज फॉर मॉड्यूलो टू एडिशन. मॉड्यूलो टू एडिशन R of X is you'll be getting it after performing this division. So last part of this theory related to cyclic code is advantages. First advantages is encoding technique is easy. Then second is well defined mathematical structure is available. And third part, some efficient decoding schemes, decoding techniques are available. Now let us solve few numericals so these steps will be more clear to you. Let us solve the numerical. Given question is for 7,4 cyclic code with generator polynomial. Generator polynomial is given. G of x is x cube plus x square plus 1. Obtain the code word for 1010. That means this given value or given sequence 1010 is for the message polynomial. So from this, how to generate message polynomial, that is m of x, which is equals to last term is 0, so we know that constant into x square into x cube. So I will write it like this, 1 into x cube, that is x cube plus 0 into x square is 0, 1 into x is x, last term constant is 0, so I am skipping it. So this is the message polynomial m of x. Now first step, I have written the steps. First step, multiply m of x by x raised to n minus k. We know that in the given question, size of code is 7,4. That is, it is n, k. Therefore, n minus k is 7 minus 4. That means it is equals to 3. Ye step mein kya likha hai humne? M of x ko x raised to n minus k. Matlab x raised to 3. X cube se multiply karna hai. So let us perform this step. M of x into x raised to n minus k. Matlab it is m of x, value of m of x is x cube plus x, isko x cube se multiply karna hai. So this answer will be x raised to 6 plus x raised to 4. This is the answer of step 1. Step 2 mein kya karna hai? Divide step 1, matlab ye jo answer aaya hai, I mean value of m of x into x raised to n minus k, divide this by generator polynomial g of x. So let us perform this division. X raised to 6 plus x raised to 4 isko divide karna hai generator polynomial se, that is x cube plus x square plus 1 se divide karna hai. Jin logon ko ye division pata nahi hai, dhyan se sun lo. Iska pehla term consider karna hai, matlab
एक्स रेज टू सिक्स टर्म कंसिडर करना है, इसका पहला टर्म कंसिडर करना है, दैट इज एक्स क्यूब, ऐसे सोचना है। ये एक्स क्यूब को कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रेज टू सिक्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स क्यूब को मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेट अस से दैट वैल्यू इज जेड और जेड का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई सेड, इसका पहला टर्म कंसिडर किया, इसका पहला टर्म कंसिडर किया, ऐसे सोचना है इसको एक्स क्यूब को कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रेज टू सिक्स आएगा। आई एम कंसिडरिंग दिस वैल्यू इज जेड और आंसर आना चाहिए एक्स रेज टू सिक्स, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जेड इज, ये एक्स क्यूब यहां पे ट्रांसफर किया तो वैल्यू ऑफ जेड इज एक्स क्यूब, मतलब यहां पे मैं एक्स क्यूब लिखता हूं। इसका क्या मतलब है, एक्स क्यूब से हम इसके पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू सिक्स आ जाएगा। सो बिलो दिस आई विल राइट दिस वैल्यू एक्स रेज टू सिक्स। अब एक्स क्यूब से देखो, ये सिर्फ पहले टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। प्लस वी नो दैट व्हाइल परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन पावर का एडिशन होता है, मतलब इट इज एक्स रेज टू फाइव प्लस एक्स क्यूब। अब देखो नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल मैथ्स में हम लोग ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन दिस केस मॉड्यूलो टू एडिशन करना है, मतलब मेक द थिंग सिंपल, सिमिलर जो टर्म्स है वो डिलीट करना है, मॉड्यूलो टू एडिशन मतलब ऐसे याद रख लो, सिमिलर टर्म्स डिलीट हो जाएगा, तो यहां एक्स रेज टू सिक्स है, यहां एक्स रेज टू सिक्स है, ये डिलीट हो जाएगा। राइट द रिमेनिंग आंसर, रिमेनिंग टर्म्स सिक्वेंशियली, मतलब पहले एक्स रेज टू फाइव आएगा, फिर एक्स रेज टू फोर, फिर एक्स क्यूब। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब ऐसे सोचना है, यहां पे एक्स क्यूब आया है, एक्स यहां पे एक्स रेज टू फाइव आया है, ये पहला टर्म हमेशा यही कंसिडर करना है, एक्स क्यूब को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रेज टू फाइव आएगा, सो दैट टर्म विल बी एक्स रेज टू टू। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म यहां पे आएगा एक्स रेज टू फाइव प्लस एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से सेम लॉजिक यूज करना है, मतलब जैसे मैंने बताया मैथ्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस केस में मॉड्यूलो टू डिवीजन करना है, मॉड्यूलो टू एडिशन करना है। इसका मतलब है जो सिमिलर कोएफिशिएंट्स है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब एक्स रेज टू फाइव एक्स रेज टू फोर ये डिलीट हो जाएगा, आंसर इज एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे सोचना है, ये पहला टर्म कंसिडर करना है, इट इज एक्स क्यूब, यहां पर भी एक्स क्यूब है, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्लस वन, मतलब वन से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे x क्यूब आ जाएगा, सो आई विल राइट दिस टर्म एज x क्यूब प्लस, अब 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 1, फिर से मॉड्यूलो टू एडिशन करना है, मतलब सिमिलर टर्म्स कैंसिल करने हैं, तो ये x क्यूब कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म ऑफ दिस डिविजन। सो दिस इज द आंसर ऑफ स्टेप 2, that means we have divided answer of step 1 by generator polynomial. Now remainder is 1. Last step, how to generate the code word? We have written the formula c of x code word is equals to x raised to n minus k m of x. So x raised to n minus k m of x. Iska answer apne paas hai x raised to 6 plus x raised to 4. Iske saath ye एक टर्म में लिखता हूं मैं, दैट मींस एक्स रेज टू एन माइनस के एम ऑफ एक्स, एक्स रेज टू एन माइनस के एम ऑफ एक्स आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेप। इसका मॉड्यूलो टू एडिशन करना है, सो मॉड्यूलो टू एडिशन विद रिमाइंडर दैट इज वन, सो नेचुरली दिस आंसर विल बी एक्स रेज टू सिक्स प्लस एक्स रेज टू फोर प्लस वन। अब इससे रिलेटेड कोडवर्ड लिखना है, कोडवर्ड कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है, ये पॉलिनोमियल आ गया अभी, इससे रिलेटेड कोड वर्ड हमेशा ऐसा हैबिट लगा लो, रिवर्स में से लिखना है। सो फर्स्ट टर्म इज वन, इसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो नहीं है इसलिए जीरो, एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए जीरो, एक्स क्यूब नहीं है इसलिए जीरो, एक्स रेज टू फोर है जो है उसका वैल्यू वन लिखना है, एक्स रेज टू फाइव नहीं है वो जीरो, एक्स रेज टू सिक्स है वो टर्म है इसलिए इसका कोएफिशिएंट वन आ जाएगा। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड। So this is the way how to calculate the code word by related to cyclic codes. Actually encoder or decoder हम लोगों को detail में learn करना है, that I will cover up in the next session. So that's it for today's session. So thank you, thanks a lot for watching this video.